आपको बताते चले कि ये पूरा मामला रौनापार थाना क्षेत्र का है। मुखबिर खास से सूचना मिली कि इस समय रोशनगंज गांव के पास गन्ना के खेत में कुछ लोग कट्टा बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष रौनापार द्वारा उप निरीक्षक को अवगत कराते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर देखा गया तो तीन व्यक्ति रोशनी में दिखाई दिए। रोशनी के पास पहुंचकर रोका टोका किया गया तो वहां मौजूद तीनों अभियुक्त भागने लगे। पुलिस द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को शाम 6:55 पर गिरफ्तार कर लिया गया। नाम और पता पूछे जाने पर अपना नाम राजेश राम निवासी रोशनगंज थाना रौनापार बताया, जिसकी तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से एक कट्टा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ। दो अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। फरार अभियुक्तों के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि अभियुक्त जुगनू और रामनाथ दोनों मेरे दोस्त हैं। अभियुक्तगण आपस में मित्र हैं और तीनों लोग कट्टा बनाते हैं। बने हुए कट्टे को आसपास के इलाके में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मौके पर मौजूद सामानों को देखा गया तो कट्टा बनाने का उपकरण के साथ ही वहां रखी गई बोरी से एक कट्टा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ। फैक्ट्री पकड़ी गई है, क्या हुआ और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा छापामारी करके रोशनगंज के जंगल में एक अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी गई है, जो इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और गन्ने खेत में ये असला बना रहे थे, शेष दो अभियुक्त फरार हो गए हैं। इसमें जो असला बनाने के उपकरण हैं वो मिले हैं, बने बने कट्टे तमंचे बने और अध बने कट्टे तमंचे बने मिले हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये लोग बनाते थे हथियार और उसे बेचते थे, जिससे अपराध होता है। ये अभियुक्त शातिर अभियुक्त है, ये पहले 2018 में भी असला फैक्ट्री में जेल जा चुका है। कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे और किस तरीके का नेटवर्क था इनका? देखिए, इनसे पूछताछ की गई है और बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इन्हें याद ही नहीं है किसी किसी सप्लाई किए हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है कि तमंचा 2500 से 3000 रुपये के बीच में बेचते थे और ऑन डिमांड बेचते थे, कोई लेने आता था तो उसे बेचते थे। और इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए जो इन्हें याद बन पाए हैं, उनके यहाँ दबिश दी गई है क्योंकि इसके पकड़े जाने के बाद लोग फरार हो गए थे, अभी नहीं मिले और जल्दी से उनकी गिरफ्तारी की जाए। कैरियर कोचिंग सेंटर लेवारुआ बजरंग नगर डोभी जौनपुर, संचालक सूर्यदेव सिंह, सहायक अध्यापक ओम प्रकाश, अध्यापक अभित कुमार, कमलेश यादव, अजय कुमार, कॉन्टेक्ट 8111553254।